तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की। कार्बन कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इथेन, इथीन, इथाइन, हमारा इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो ये पांच स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं स्टार्टिंग से इथेन। पहला जो एल्केन है आपका क्या? इथेन। इथेन इथेन मुझे पता है इथेन क्या है, एल्केन है, ठीक, जिसका क्या है आपका जो फॉर्मूला है C2H6 है। ये दो कार्बन के साथ क्या हुआ, छः हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इसका ये आपका इसका स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, छः हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आपके दो कार्बन से। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो उसका सिंपल सा टेक्निक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, हमेशा याद रखना जो एक कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड हटा के दो इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। एक बॉन्ड हटाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसका बनाना है तो पहले आप स्ट्रक्चर रफ में ड्रॉ कर लो, इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला को साइड में ड्रॉ कर लो, और जैसे हूबहू ऐसे ही क्या करेंगे, जस्ट प्लेसमेंट के साथ, सारे एटम्स की सेम प्लेसमेंट के साथ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हम क्या करेंगे, दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन रखें, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन। अब बाकी बॉन्ड क्या बने हुए, इस तरीके से बने हुए, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दो दो हाइड्रोजन रख देंगे, मतलब हाइड्रोजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन रख देंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने इस साइड वाले रख दिए। अब इस साइड वाले भी सेम, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन रख देंगे, एंड एक हाइड्रोजन यहाँ पे है तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन गए। तो बिल्कुल हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, बस हमें क्या करना है, सर्कलिंग करनी है। सर्कलिंग ऐसे करनी है कि सारे एटम्स का जो हो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा मतलब दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा, एंड कार्बन आपका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा मतलब उसके सर्कल में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन में दो दो चार दो छः दो आठ, तो इसका एक सर्कल ऐसे बनेगा, एक सर्कल ऐसे बन गया। दूसरा सर्कल कैसे बनेगा, ये सर्कल इस तरीके से बनेगा, तो है ना, सर्कल क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और ये आपके क्या होंगे, दोनों कार्बन के आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हर एक हाइड्रोजन के दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बन गया वो आपका इथेन का बन गया। तो काफ़ी इस स्ट्रक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की, तो काफ़ी सही बनेगा। थोड़ा बोर्ड में थोड़ा सा अभी मेरा थोड़ा गंदा बना है, लेकिन आप जब आप इसको कॉपी में बनाओगे तो काफ़ी साफ बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इथेन के ऊपर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इथेन और इथाइन का स्ट्रक्चर बनाना। हमें पता है इथीन क्या है, कैल्कीन है, जिसके अंदर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और हाइड्रोजन्स क्या होंगे, अटैच होंगे, क्योंकि एक कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन सिर्फ दो ही लगेंगे, ठीक है। तो कार्बन के क्या हो गए, चार बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन में भी ये कार्बन ने डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया तो कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो गए, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाई रहनी है, कार्बन चार से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब हमने कहा था कि एक कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, दो कोवलेंट बॉन्ड है, इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। और इसको आप क्या कहते हो, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन, तो दो बॉन्ड के लिए आपको चार इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। एक तो हर एक कार्बन क्या करेगा, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो इन दोनों ने क्या किए, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो एक ही कोवलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हम कैसे लिखेंगे, इसको वैसे ही ड्रॉ करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां एंड दो इलेक्ट्रॉन यहां। इस ये वाले हाइड्रोजन भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ये हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन यहां एंड दो ये हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, सर्कल इस तरीके से करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। देखो दो दो चार दो छः दो आठ, इस कार्बन के आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो एक सर्कल ऐसे आएगा, ठीक है। अब इस कार्बन के भी दो दो चार दो छः दो आठ, आठ पूरे हो गए, तो एक सर्कल ऐसे आएगा,
ठीक है, तो ये आपका एक सर्कल हो गया। अब हाइड्रोजन के तो हमें ड्यूप्लेट कंप्लीट करने हैं, तो हाइड्रोजन तो इस तरीके से हम बना लेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा सुंदर सा इथेन का डायग्राम बन गया। अब इथाइन का जब हम बनाएंगे तो इथाइन में भी हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डॉट हमारा डायग्राम बनाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अब तीन बॉन्ड आ गए, इसका मतलब तीन बॉन्ड है। हमें हमने बोला एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो तीन के अंदर कितने होंगे? छः। अब छह इलेक्ट्रॉन आपको कैसे रखने? एक कार्बन तीन डोनेट करेगा और ये वाला भी तीन डोनेट करेगा, ये वाला भी तीन डोनेट करेगा, तभी तो टोटल छह होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको लिख देंगे। ठीक है, तो एक दो तीन, और ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, अपने तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक दो तीन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन एक ही है, तो एक हाइड्रोजन आप यहां बनाओ दो इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड एक हाइड्रोजन आप क्या बनाओ यहाँ दो इलेक्ट्रॉन के साथ बनाओ। तो ये तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, छह इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए दो, तो आठ कंप्लीट हो गया इस कार्बन का, तो एक सर्कल तो ऐसे जाएगा, मेरा सर्कल ओवल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक सर्कल आप क्या बनाएंगे, इधर से बनाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन, आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर हम क्या करेंगे, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो ये इथाइन का सुंदर सा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम बन गया। तो अगर आप पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लोगे तो उससे आपका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा बड़ा परफेक्ट बनेगा, क्योंकि मैं तो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से फिर भी गंदा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको कॉपी में बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का, हम क्या कैसे बनाएंगे आपका जो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है वो बनाना सीखते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो, जब भी ऑक्सीजन आता है किसी भी कंपाउंड में, तो हमेशा याद रखना ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट के अंदर, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो दो बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाएगा, और वो दो बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने किस कौन से स्टेट में बात की है, न्यूट्रल स्टेट में। चार स्टेट में वो एक से ज़्यादा, वो मतलब दो से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोनियम आयन में वो तीन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कार्बन कंपाउंड्स के लिए ऑक्सीजन, जब भी हम न्यूट्रल स्टेट में बनाएंगे तो ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाएगा। आप इधर देखो, इथेनोइक एसिड में भी इसने दो बॉन्ड बना रखे हैं, और आप इथेनॉल में इसने दो सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, या डबल बॉन्ड बना रखा है, और यहाँ दोबारा फिर सिंगल बॉन्ड बना रखा है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैंने दिखाए हैं, ऑक्सीजन हमेशा इनको कैरी करता है, इनको बोलते हैं लोन पेयर्स। तो ऑक्सीजन के पास हमेशा क्या होते हैं, दो लोन पेयर्स होते हैं। अब ये लोन पेयर बॉन्ड नहीं बनाते, ये हमेशा ऐसे ही ऑक्सीजन के ऊपर रखे रहते हैं। क्लियर, तो इनको कुछ नहीं करना, इनको जैसे आप बनाओगे वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसको इंक्लूड करेंगे। देखो, अब इसका आपको इथेनॉल का सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा इथेनॉल का स्ट्रक्चरल डायग्राम हो गया। अब हम कुछ नहीं करना, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, इसका मतलब हमें हर एटम के बीच में क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो चालू करते हैं। तो जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में हमने क्या रख दिया, दो इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक है, ऊपर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ नीचे हाइड्रोजन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। ठीक है, ऑक्सीजन, अब देखो, अब ऑक्सीजन में क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए थे ऊपर, वो इसके पास ही रहने देते हैं, इनको नहीं छेड़ेंगे। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किए, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ, तो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे। इधर इस वाले कार्बन के साथ तो सिर्फ हाइड्रोजन ही अटैच है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। तो बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करनी है, सर्कलिंग करनी है। तो देखो, इस ऑक्सीजन के दो दो चार दो छः और ये आठ, आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इस ऑक्सीजन को सबसे पहले सर्कल कर देते हैं। ठीक है, फिर हाइड्रोजन इधर दो। ठीक है, अब इस कार्बन के कितने हो गए, दो दो चार दो छः दो आठ, तो इस कार्बन को सर्कल करेंगे, ये हो गया। अब इस कार्बन को सर्कल करेंगे, दो दो चार दो छः दो आठ, ठीक है। अब हाइड्रोजन सर्कल करते हैं, ये हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, ये भी दो, एंड ये भी दो। ठीक है, तो ये हमारा इथेनॉल का डायग्राम तैयार हो गया। बस एक ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के जो दो दो, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, जैसे वहां लिखे हैं वैसे ही नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब हम इथेनोइक एसिड पे आएंगे।
अब इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो इसका मतलब यहाँ कार्बन और इसके बीच में चार इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। बाकी का स्ट्रक्चर आप देखोगे, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम दो दो इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। तो चलो बनाते हैं, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और इसके बीच में क्या होंगे, दो, यहाँ हाइड्रोजन एंड इसके बीच में दो, एंड यहाँ आपका हाइड्रोजन इसके बीच में दो, कार्बन आ गया, तो कार्बन और इस कार्बन के बीच में दो। अब ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड आ गया, तो हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, चार, एक, दो, तीन, चार, एंड फिर दोबारा ऑक्सीजन आ गया, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन तो हम रहने ही देंगे जो पहले से रखे हुए थे, ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे। फिर ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो दो, ये वाले ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो दो, हाइड्रोजन एंड देन इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पहले से रखे हुए थे तो वो पहले से रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सर्कलिंग करेंगे, इस ऑक्सीजन को ही सबसे पहले कंप्लीट कर देते हैं, दो दो चार, तो मतलब चार ये हो गए, छः और ये आठ, ये इसके पूरे हो गए, ठीक है। इस कार्बन के कितने हो गए, इस कार्बन के कितने हो गए, दो दो चार, दो छः और दो आठ, इसको सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। इस ऑक्सीजन के दो दो चार, दो छः, दो आठ कंप्लीट हो गए। इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, इस कार्बन के दो दो चार, दो छः, दो आठ कंप्लीट हो गए। बाकी हाइड्रोजन्स के क्या होंगे, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए। तो आप देखो, ये इसको थोड़ा सा और सही कर लेंगे, ऑक्सीजन हमारा जो सर्कल है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से लेके जाएंगे, ऑक्सीजन इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ कर गया, लेकिन फिर भी कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या हो गया, इथेनोइक एसिड का डायग्राम हो गया, जिसमें हर एक आपके कार्बन की और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की सब की वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब इस सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो ये थे आपके इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, आई होप आपको समझ आया हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।